हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो चुके हैं, तो पुरुषोत्तम मास कब से शुरू है, कब इनका समापन होगा तो जान लेते हैं। पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त को समाप्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 1। तो इसकी कथा सुनने से पहले जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में नारायण भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और दान पुण्य का विशेष महत्व है और इसमें स्नान करने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर कोई तीर्थ में नहीं जा पाते हैं तो वो घर पे ही गंगा जल पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी महीनों में पुरुषोत्तम कृष्ण का पसंदीदा महीना है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं संसार में और वेदों में उस परम व्यक्ति के रूप में मनाया जाता हूँ। ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनके धाम पुरी को पुरुषोत्तम धाम कहा जाता है। जिस तरह सभी अवतारों में कृष्ण सर्वोच्च है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम सर्वोच्च और पवित्र है। तो चलिए कथा शुरू करने से पहले लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर लेते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति आलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नर नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पेल, सुमंतु, सुमति, कश्यप, जावाली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव आदि आदि। शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी ने अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठा थे, वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धर्व पुंडीधारी राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन, मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार को देखने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत हो, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए।
ऐसे सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन में सूत जी बैठ गए। तदांतर सूत को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा करने वाले ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाले तथा शुभ फल देने वाले आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषि देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदांतर कृष्ण के बाद गंडकी में स्नान कर पुलहा ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपाणिका, तापी, वहाइसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमंडवती में स्नान कर पीछे सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदांतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमते हुए कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं भूषण जिनके ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फैन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले बड़े बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले चमकती हुई कांति वाले अवधूत रूप वाले ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए मक्षिकाओं से जैसे समस्त हस्ती घिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए स्वर्ग धूल रमाई महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर
चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कणिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त हुआ और इसी के बाद हम इसका सेकंड पार्ट अध्याय 2 लेके आएंगे, तो आप लोग उसका इंतजार कीजिए। उसका सेकंड अध्याय मैं कल लेके आऊँगी। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर बोलने में कुछ शब्दों में मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।